मेरी पहली शादी कब हुई, कौन से साल में हुई। जी हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली शादी जो हुई थी वो दो। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, है ना? तो भाई आप लोग देख सकते हैं पीछे एकांश आज सो गया है, इसलिए वो आपका आपका हाल चाल नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ यश जरूर आप लोगों का हाल चाल पूछेगा। तो मैं यश पूछो। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ बढ़िया। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं हूँ इस वक्त मोदीनगर में। हाँ जी, मैं आ गई हूँ वापस अपने बेटे के पास, और 3-4 दिन मुझे हो गए हैं। मेरी वो वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, जिसमें एक दो कमेंट बहुत अच्छे थे, मेरे फेवर में थे। सबको बहुत दुख हुआ था, मैं खुद मानती हूँ कि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। तो भाई हम यश तो हम जो है स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है हिमा की कहानी, आप लोग जानते ही हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं वापस आई हूँ मेरे बेटे के पास, और मुंबई में मुझे रहना बहुत ही मुश्किल था। एक तो मैं अकेली थी एकांश के साथ, ऊपर से बीमार थी, और ऊपर से अपने बेटे से दूर थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। वो एक वीडियो तो सिर्फ एक वीडियो थी, लेकिन मैंने तो वो दिन जिए हैं अपने बेटे के बिना। बट एनीवेज, सिचुएशन होती है, हालात होते हैं ना, इंसान गलत होता है ना कोई गलत होता है, तो इंसान सिचुएशन के हिसाब से स्टेप लेता है। तो एनीवेज, मैं यश को लेने के लिए आई हूँ वापस अपने साथ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हालांकि यश का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, ही इज़ गोइंग एवरीडे स्कूल ऑल्सो, इवन उसको यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है, यहाँ के स्कूल अच्छा लग रहा है, यहाँ के उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, एंड ही इज़ ओके हियर। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद मैं और जो मेरे हस्बैंड हैं गौरव, उनको भी अच्छा नहीं लगा है। उनको नहीं पता था कि ये जो है यश को यहाँ पे छोड़ा है, तो वो बहुत गुस्सा हुए मुझ पे कि तुमने ऐसे कैसे किया। तो फाइनली मैं जो है अभी लेने के लिए आई हूँ, हालांकि ये मेरे साथ जाना नहीं चाहता है। ये बोल रहा है कि मम्मी मैं यहाँ पे खुश हूँ, मौसी के पास यहाँ पे स्टडी ओके है, सारी चीज़ें ओके हैं। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो बट फिर भी मैं इसको लेने के लिए आई हूँ। तो आज की जो वीडियो है, एक तो इस मुद्दे पर है कि भाई जो है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि हेमा जी आप अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हैं, आप अपने पास रखिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी लाइफ में, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को अपनी बहन के घर पर रखा है, कहीं किसी अजनबी लोगों के बीच में नहीं रखा है। वो एक ही मेरी बहन है, और वही बहन मेरे पास मुंबई आई थी सडनली जब मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो मेरी बहन से ज़्यादा अच्छी केयर मेरे बेटे की कोई और कर ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये मेरा बेटा जो है 12 साल का है, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रेशर में है या किसी चीज़, सारी चीज़ें समझता है। तो ये इसका खुद का भी डिसीजन था कि नहीं मम्मा, मैं यहाँ पे ये फैमिली है, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, सो यू डोंट वरी। तो वो सारी चीज़ें थी। तो हालांकि मैंने लाइफ में पहली बार यश को इस तरीके से छोड़ा, बट मुझे पूरा भरोसा हुआ मेरी बहन पर, यश के ऊपर, और मुझे लगा कि ओके ठीक है, मतलब लोग हॉस्टल में भेजते हैं, बोर्डिंग में भेजते हैं अपने बच्चे, तो एटलीस्ट मैं अपनी बहन के घर पे तो है, घर पे तो मैं मेरे बेटे को एक साल के लिए एटलीस्ट, और अभी जब छुट्टियां पड़ रही हैं 30 अप्रैल के बाद, तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू कम बैक टू मुंबई। तो ये मुंबई में मेरे साथ रहने वाला है, और मुंबई में नहीं रखने का रीज़न ये भी है बिकॉज मैं अभी काम करना चाहती हूँ, तो मेरे भी हाफ में इसको कौन केयर करेगा, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एकांश। तो इसलिए तो ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, बट फिर भी मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरी वो वीडियो को देख के आप लोगों को जो पेन हुआ, जो फील हुआ, उसके लिए मैं आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स, बट स्टिल आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग यू नो सिचुएशन, एंड यू नो मेरा पेन समझने के लिए। और आपकी हेमा की, यस यू वॉन्ट टू गो, और मेरी आंखों में आंसू आए तो आप लोगों को भी बुरा लगा। और यहाँ पे जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत इसका क्या केयर करते हैं, समझते हैं, और स्पेशली मेरी बहन ने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि हेमा तू इतनी टेंशन मत ले, तू मुंबई में काम करना चाहती है, तू काम कर, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे और भी मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, तो ये उनके साथ कंफर्टेबल है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। तो ऐसी सिचुएशन में अपने ही काम आते हैं, और जो मेरी बहन आ रही है, तो मैं
क्या हुआ तो मैं अपनी बहन को जो है थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मेरी बहन अभी भी बोल रही है कि हेमा तू सिर्फ अपने काम पे फोकस कर और जो है यश की टेंशन मत ले, यश अपने घर पे है, कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बहन को इसलिए सपोर्ट करना चाहती हूँ, फुल सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, आप लोगों के दिल में और बसना चाहती है। तो मेरी दिल की यही मतलब दिल से है, मेरी ये बहुत दिल से है कि मेरी बहन की जो मन की इच्छा जो है वो पूरी हो जाए, पूरी करने का मैं मौका दे रही हूँ अपनी बहन के लिए कि ठीक है, अच्छा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है मेरी बहन जब आती है, फोन पे आती है, टीवी पे आती है, और उसकी अच्छी अच्छी रील आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत प्राउड होता है। मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हेमा की कहानी की बहन हूँ, बड़ी हेमा शर्मा की बहन हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बात में दम हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्यार देना। क्या बात, लव यू, लव यू, थैंक यू। तो यही है, देखिए मेरी बहन इनोसेंट है बहुत ज्यादा है, और मैं इसकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और ये लाइफ में जितना एडजस्ट कर रही है। मैं दोस्तों पब्लिकली ऑन कैमरा आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि मैं लाइफ में कभी भी इतना एडजस्ट या इतना कॉम्प्रोमाइज या इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। शी जस्ट मतलब मैं रेस्पेक्ट करती हूँ मेरी बहन की, एज ए बींग अ वोमेन, मेरी बहन होने के नाते नहीं, बट एज ए बींग अ वोमेन आई रियली रेस्पेक्ट हर। वो जितना लाइफ में एडजस्ट कर रही है मैं तो नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऑन कैमरा। तो दोस्तों आज दूसरी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली शादी कब हुई, कौन से साल में हुई। जी हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली शादी जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, और अप्रैल के महीने में हुई थी, 21 अप्रैल को हुई थी। तो बहुत ही आई थिंक ये पहली बार जो है ऑन कैमरा मैं ये सीक्रेट जो है मेरी लाइफ का मैं रिवील कर रही हूँ कि मेरी जो है पहली शादी जो है वो 2009 में हुई थी। क्योंकि अभी कल परसों मैंने देखा कि गूगल भी सर्च कर रहा है कि व्हाट इज़ द माय यू नो फर्स्ट हस्बैंड, तो मैं हैरान हो गई, मुझे लगा कि ओके कि गूगल को शायद पता चल गया, बट उसमें कोई डिटेल्स नहीं है। तो आज ये मैं पहली बार मेरी वीडियो में बना रही हूँ, और यही मुरादनगर मेरी शादी हुई थी, और वो शादी भी जो है मेरी पसंद से हुई थी, मेरी दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ लव मैरिज, और 2009 में हुई थी और अप्रैल के महीने में हुई थी, और इसी तरीके की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थी। और बाकी की जो डिटेल्स है, क्या रीज़न रहा कि मेरा डाइवोर्स हुआ, कहाँ मेरी ससुराल है, और किस कितने साल मेरी शादी चली, क्या रीज़न रहे, किस तरीके से मेरी लाइफ रही, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि 2009 में हुई थी, और जो है मैंने आप लोगों को बताया अप्रैल में हुई थी, 21 अप्रैल, और 11.5 साल जो है मेरी शादी चली, और उसकी उसमें भी मेरी बहुत इसी तरीके की जर्नी रही। बट एनीवेज शादी के बाद ही मैं बनी हेमा शर्मा, जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि जब मैं अकेली हो गई तो फिर मैं बनी हेमा शर्मा। तो क्या थी वो सिचुएशन, क्या थे ऑब्स्टिकल, मैं वो सब बताऊंगी आप लोगों को। बट मैं यश के पास आके बहुत खुश हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरी आत्मा है, और इस वक्त मेरी आत्मा जो है माय फैमिली है, मेरे दोनों बच्चे और जो है मेरे हस्बैंड, और हर इंसान की हर औरत की जो है उसकी जो आत्मा होती है वो फैमिली होती है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, बट सब अपनी अपनी बताते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बता रही हूँ कि मैं यश जो है यहाँ पर आगे मुझे महसूस हुआ है कि ये और ज़्यादा समझदार हो गया है, मेरी बहन के साथ बैठ के बातचीत करता है, मेरी बहन यश को बहुत लाइक करती है, और ये मेरी पावर है, ये मेरी पावर है, इसलिए मुझे बोलता है मम्मी डोंट वरी आप करो। तो भाई आज हेमा शर्मा की एक सीक्रेट, हेमा शर्मा का सीक्रेट जानने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, और कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, स्पेशली माँ तो मतलब बुरी हो ही नहीं सकती, जो जन्म देती है वो कैसे बुरी हो सकती है। उसके दिल से एक बार पूछ के देखिए, जब वो अपने बच्चे को चाहे बोर्डिंग स्कूल में छोड़े, चाहे रिश्तेदारों के घर पर छोड़े, या फिर जब जॉब के लिए जाती है तब छोड़े, या 2 घंटे के लिए छोड़े, तो
जब मैं कभी कभी जाती हूँ अभी किसी को मिलने के लिए जाती हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है, चाहे बात एक घंटे की हो चाहे दो घंटे की। तो एनीवेज बातें बहुत सारी होती हैं, इमोशंस बहुत सारे होते हैं। बट अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच यूट्यूब मुझे एक और नया नाम देने के लिए कि आज अभी हेमा की कहानी अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले चैनल मेरा आता है। और इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। तो बट एनीवेज जिंदगी उसी की होती है जिसकी आसान नहीं होती है। तो अभी भी स्टिल यस आई हैव टू बेबीज और डजंट मैटर वॉट इज माई एज, बट एक चीज है कि मैं अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये चैनल को मैं बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। इस चैनल से मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे आप इसी तरीके से प्यार देते रहे और अगर मैं अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को, आज मैंने बड़े दिनों बाद साड़ी पहनी है, यू कैन सी ग्रीन साड़ी पहनी है विद दिस ब्लाउज। तो अगर ये आपकी मम्मा अच्छी लग रही हो तो तो लाइक करिए, तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।